नमस्कार, मैं हूँ सारिका पंकज और आज रविवार है तो आज मैं लेकर आती हूँ आप सब के लिए कालजयी कहानी। कालजयी कहानी के क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेंद्र यादव, जिस कथाकार को प्रेमचंद और रेणु से बड़ा लेखक मानते थे, वो थे शैलेश मटियानी। उनकी कहानी, उनका जन्म हुआ अल्मोड़ा ज़िले में 14 अक्टूबर 1931 को। बाद का जीवन भैंसिया छाना, अल्मोड़ा, इलाहाबाद और मुंबई जैसे पड़ावों से गुजरते हुए हल्द्वानी में जाकर थमा। इसी बीच संघर्ष तो चलता रहा। 24 अप्रैल 2001 को उनका देहांत हो गया। तब तक उनके 30 से अधिक उपन्यास और लगभग 2 दर्जन कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके थे। पहाड़ के इस प्रतिनिधि रचनाकार की पुण्यतिथि पर मैं सारिका पंकज उनकी लिखी हुई कहानी लेकर आई हूँ, पाप मुक्ति। घी संक्रांति के त्यौहार में अब सिर्फ 2 ही दिन शेष रह गए हैं और त्यौहार निपटते ही ललिता अपने घर यानी अपनी बड़ी दीदी नंदी के मायके को लौट जाएगी। लेकिन इस बार का उसका लौटना कितना रहस्यमय हो सकता है। हो सकता है कुछ ही दिनों बाद माँ आ पहुँचे कि नंदी, ललिता को तेरे यहाँ हमने इसी काम के लिए भेजा था। इस प्रश्न को सोचते सोचते नंदी और ज़्यादा थक गई। एक बार आंखें पूरी उघाड़ कर उसने दौड़ में बंधी हाल ही में ब्याई भैंसें, उसकी छोटी सी थोड़ी और रसोई के कमरे की ओर देखा। फिर नीचे घाटी में बिखरे अछोर खेतों और घाटी के पार के घने जंगल को देखती रह गई। जब से ललिता आई तब से खेत वन के सारे काम वही संभाल रही है और नंदी घर पे ही रह जाती है। खाना पकाने के अलावा सिर्फ पानी भरने और भैंस की टहल करने का ही काम उसके जिम्मे रह गया है। दोपहर ढलने तक नंदी काम निपटा कर खा पी कर खेलने कूदने के बाद थकी अपनी छोटी बेटी कुरी को छाती से लगाकर आराम से सो जाती है। फिर तीसरे पहर उठकर देली से नीचे पांव को झूलता हुआ छोड़ बैठी बैठी किसनिया की प्रतीक्षा करने लगती है। यूं अब दूसरी बार की भारी कोख है, मगर फिर भी किसनिया के समीप पहुंचते पहुंचते तक शर्मा कर अपने पांव देती से ऊपर समेटती है, कुरी को बीच गोद में बिठा लेती है। ललिता बड़ी चंट है, कुछ दिन पहले आई थी तो उसी रात कह बैठी थी, दीदी इस बार तो तेरी कोख अभी से भारी हो आई, बेटा ही होने वाला है शायद। छी छी छी, आजकल की छोरियां शादी से पहले ही सारे लक्षणों को जानती हैं। ललिता तो किसनिया का भी लिहाज नहीं करती, रिश्ते में साली जो लगती है सो किसनिया भी मजाक करते नहीं चूकता। और आपसी मजाक के खिलखिलाती दोनों की हंसी गुल्ली में ऐंठ कर बटी जा रही रस्सी के रेशों की तरह आपस में लिपटती चली जाती है। तो कभी कभी नंदी का मन कुछ तीता भी हो आता है। आमने सामने बैठ कर बिखेरी साली जीजा की हंसी उसे ऐसे लगने लगती है जैसे फसल कटे खेत में सर्पों की जोड़ी फन नचा रही हो। और प्रतिमा सासू कहती हैं कि गर्भिणी औरत को आपस में जुड़े नाग नहीं देखने चाहिए। सगी सास नहीं, ननद नहीं, देवरानी जिठानी कोई भी नहीं, केले की फली जैसा अकेला किसनिया जन्मा था। फिर कोखी नहीं भरी, अब कहीं जाके किसनिया की गृहस्थी केले की फली जैसी उधड़ती जा रही है। 4 बरस तक अकेला किसनिया था, अब 3 जनों का कुटुंब है। 3-4 महीने बाद एक और बढ़ जाएगा और फिर बरसों तक यही क्रम। यही सोचते सोचते नंदी को अपनी गृहस्थी में सास ननद देवरानी जिठानी का अभाव खलने लगता है। प्रतिमा का किया सास है, कभी कभार कुछ कह सुन जाती है, उसी के कहे को आंवले के दाने की तरह अपने अंदर लुढ़काती रहती है, सपने में भी। और प्रतिमा सासू कहती हैं कि गर्भिणी को जुड़े हुए नाग नहीं देखने चाहिए, पाप लगता है। देली से नीचे लटकाए हुए पांव आपस में लिपटते से लगे तो नंदी ने अपने पांव को समेट लिया। आज कुरी अभी तक नहीं उठी थी। नंदी ने आंखों को नीचे घाटी में फैले खेतों की ओर झुकाया तो लगा कि उसकी दीड़ चील की तरह आकाश की ओर उड़ गई है और वहां से झुक झुक कर धान के खेतों में काम कर रहे किसनिया और ललिता को ढूंढ रही है। फसल से खेत भरे हुए हैं, नंदी खुद गर्भिणी है, ऐसे में कहीं
कमर से ऊपर उठाए धान के खेतों के बीच में किसनिया और ललिता की जोड़ी आपस में मगन दिखाई दे गई तो? छी छी छी, आजकल मेरे मन में भी बहुत पाप भर गया है। नंदी को अपने प्रति ही वृत्तृष्णा हो आई। कल्पना में यूं चील की आंखों में चपकते सर्प जोड़े जैसे संशय से उसकी घाटी की आरे एक टक लगी आंखें अपने आप भर आईं। उसे लगा पांव फिर अपने आप देली के नीचे लटक गए हैं। बड़ी देर तक वो अपने आप झूलते पांव को देखती और अपने आप से ही सहमती रहती। उसने अनुभव किया कि किसनिया और ललिता के सहज हंसी मजाक के संबंध को वो खुद बहुत आगे तक बढ़ा लाई है और अब यदि वास्तविक रूप में भी उन दोनों का संबंध इस सीमा तक बढ़ आया है जहाँ की वो अपनी गिद्ध दृष्टि से आई है तो कोई आश्चर्य नहीं। सहसा वो कोई विरोध भी नहीं कर पाएगी। सिर्फ इतना ही उसे लगेगा कि आकाश में उड़ती हुई चील की तरह खेत में खेलते सांपों के जोड़े को देख रही है। अनजाने ही आज पास के ऊंचे टीले तक बढ़ाई थी नंदी। तलहटी तक ढलान वाली घाटी चौमासे की हरियाली में डूबी है। ऐसे में किसनिया ललिता के दिखाई दे सकने की कोई गुंजाइश नहीं, मगर व्यर्थता के एहसास के बावजूद आज नंदी अपनी आंखों को नियंत्रित नहीं कर पा रही। न जाने कब तक वो टीले पर खड़ी ही रहती है कि घर से कुरी के रोने की आवाज सुनाई दे गई। लौटी तो देखा गुदरी बिगाड़ चुकी है। कुरी को चुप कराकर गुदरी को बाहर चबूतरे पर लाकर मुठिया मुठिया कर धोते हुए नंदी फिर सोचती चली गई। इस बार वो अनायास ही ये सोचती चली गई कि जब से ललिता आई है तब से उसे कितना आराम हो गया है। ललिता के आने के पहले घर के सारे कामों को लेकर खेत और जंगल तक उसे जाना पड़ता था और अथक परिश्रम के कारण देह एकदम टूट टूट जाती थी। मन होता था हल्की होने तक के लिए अगर मायके जाने देता उसे किसनिया तो कितनी राहत मिलती उसे, मगर किसनिया घर गृहस्थी संभाले और वो मायके में पड़ी रहे ये तो संभव नहीं था। ऐसे में उसने अपनी माँ के पास संदेश भेजकर छोटी बहन ललिता को सहारे के लिए भेज देने को कहा था और संक्रांति के त्योहार तक के लिए ललिता यहाँ आ गई थी। पिछले दिनों बाहर के सारे काम वही निपटा रही थी, मगर अभी पूरी फसल कटी नहीं है और संक्रांति के कुल दो ही दिन शेष रह गए हैं। गुदरी मुठियाते मुठियाते नंदी का मन अपनी छोटी बहन के प्रति कुछ कृतज्ञ सा हो आया और अपने प्रति कुछ क्रुद्धता कि वो अपनी ही बहन के लिए सिर्फ हंसी मजाक के सुख को नहीं झेल पा रही। अब दो दिन और रहेगी, चली जाएगी, फिर न जाने कब आए। जल्दी ही उसका विवाह हो जाएगा और तब तो कभी वर्षों में संयोग से भेंट हो पाएगी। नंदी को याद आया गए चैत में जब पिता उसे भेंटने आए थे तो उसने कहा था यदि ललिता का संबंध भी कहीं इसी गांव में तय कर देते तो अच्छा रहता। ऐसा कहते समय उसने ये भी अनुभव किया कि अगर कोई देवर होता तो उसके लिए बात चला देती, मगर इस घर में तो अकेला किसनिया है और ललिता किसनिया के ही घर रह जाए तो बहन की जगह सौत बन जाएगी। हालांकि दो क्या तीन शादियों तक का चलन है और अंग्रेजों का राज। एक हल्की सी हंसी नंदी के होंठों पर फैल आई। न ललिता की ओर से न किसनिया की ओर से कहीं से भी तो ऐसा कोई प्रत्यक्ष संकेत नहीं। वो तो कल्पना में ही इस प्रकार के संबंध तय करती है और फिर खुद ही खुद में कुढ़ रही है। दो ही दिन बाद ललिता वापस जाने वाली है। नंदी उसके ललाट के बीच नसिका के छोर तक रोली की पतली रेखा खींचेगी और दही में भिगोए अक्षत माथे पर टिकाएगी तो ललिता के पाँव में झुकने झुकने तक तो खुद वही बिलख कर रो पड़ेगी। पीठ पीछे की बहन है, जब भी आई है विदा करती बेला नंदी की आंखों में आंसुओं की बूंद बूंद में अतीत का एक एक क्षण उभर आया। चार साल छोटी है, गोद में भी संभाल रखी है, बार बार गिर पड़ती थी फिर रोती थी और नंदी उसे संभाल नहीं पाती थी। उसे विदा करते करते खुद रोती रहती है। पहले ललिता की उपस्थिति में ऐसी तीखी अनुभूति नहीं होती थी। हंसी ठिठोली तब भी करती थी ललिता, मगर तब आंखों की तरलता इतनी गाढ़ी नहीं होती थी। अब किसनिया के हंसने बोलने में भी आसक्ति झलकती है। नंदी को यह आसक्ति सामने आंगन में लुढ़के पीपल के कलश से छलकते पानी की तरह बजती हुई एकदम अलग सुनाई दे जाती है। पिछले 7-8 दिनों से
नंदी अनुभव कर रही है। किसनिया की चेष्टाएं ललिता से बोलते समय ठीक वैसी ही हो आती हैं जैसे शादी के साल नंदी से बोलते बोलते हो आती थी। पिछले 7-8 दिनों से ही किसनिया ललिता के खेतों में जाने के बाद से खुद नंदी के तरह तरह की कल्पनाएं करती और फिर खुद ही अपनी शंकाओं को दो सर्पों की तरह समानांतर खड़ी करती चली आ रही है। और प्रतिमा सासू कहती हैं, धीरे धीरे सांझ हो आई है, किसनिया ललिता अभी तक नहीं लौटे हैं। छोटी कुरी फिर से सो गई है। निरंतर लंबी होती प्रतीक्षा से ऊबकर नंदी भैंस हथियाने बैठ गई। दूध दुहने दुहने तक किसनिया भी घर पहुंच गया, मगर अकेला ही। क्यों हो, ललिता कहाँ रह गई? पूछते हुए नंदी ने अनुभव किया ललिता के बारे में बताने का अधिकार किसनिया को उसी ने तो दे रखा है। खुद खेतों में काम करने जाती होती तो यूं पूछने की नौबत ही नहीं आती। इस पूछने के साथ यूं तो ये भी पूछने का मन हो आता है कि आखिर दिन भर दोनों साली जीजा आपस में क्या क्या बातें करते रहे। घास काटने को झुकते हुए ललिता की कुर्ती गले के आसपास अपने आप ज्यादा उघड़ जाती है और नंदी महसूस करती है कि बात करते करते आजकल किसकी दीढ़ नीचे को शायद जरूरत से ज्यादा ही झुकी रहती है। यही सब सोचते सोचते नंदी का मन चील की तरह उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते ऐसा लगता है जैसे उन दोनों को बार बार सांपों की तरह खेलते देख रही है। किसनिया ने बताया कि आज वो 2 घड़ी पहले ही कस्बे की ओर चला गया था। वो तो यही सोच रहा था कि ललिता घास का गट्ठर लेकर घर भी पहुंच चुकी होगी। संशय की मनस्थिति से उबरने पर अब नंदी को चिंता हो आई। अंधेरा होने को आया है, अंदर से लालटेन जला कर ले आने के बाद बोली, आज तो बहुत अंधेरी रात है, जरा तुम जाओ तो सही, कहीं नदी पार करते समय ललिता छोरी डरेगी तो छल बिद्दर न लग जाएगा। धान के खेत नदी पार पड़ते हैं, लौटते समय ललिता को अकेले ही नदी पार करनी पड़ेगी। नदी तो आजकल बाढ़ पर नहीं, मगर जहाँ से नदी पार करनी होती है वहाँ बहुत गहरा काला ताल बंधा हुआ है। उस मसान ताल में तरह तरह के भूत प्रेत होने की बातें गांव भर में कही सुनी जाती हैं। रात अधरात नदी पार करने वालों के साथ मसान भी लगाता है और देवता जगाने रखवाली करने के बाद ही पिंड छोड़ता है। नंदी का घरवाला किसनिया खुद रखवाली करने में सिद्ध है। पास पड़ोस के गाँवों में भी उसे बुलाया जाता है। बहुत जीवट वाला है, आधी आधी रात अकेला आता जाता लौटता है। इस समय नंदी कुछ खींच गई थी कि किसनिया सामने होता तो वो कह बैठती कि तुम खुद रात अधरात के भूत जैसे अकेले आते जाते हो, वैसा ही निडर औरों को भी समझते हो। उस नादान छोरी को इस सांझ की बेला अकेली छोड़कर दुकानदारी करने निकल जाते, शर्म नहीं आई तुम्हें? किसनिया को गए भी काफी देर हो गई तो एक बार नंदी पड़ोस में पूछने को जाने को हो आई, कहीं गांव की दूसरी औरतों के साथ तो नहीं लौट रही। तभी किसनिया और ललिता दोनों आते दिखाई दे गए। नंदी ने देखा घास का गट्ठर किसनिया ने अपने सिर पर ले रखा है और एक हाथ से ललिता का हाथ और लालटेन दोनों पकड़े हुए चला आ रहा है। नंदी आशंकित हो आई, कहीं ललिता फिसल तो नहीं पड़ी अंधेरे में। गट्ठर उतार कर बाहर के कमरे के एक कोने में ललिता को बिठा कर किसनिया अंदर रसोई में चला गया। नंदी कुछ पूछे तब तक किसनिया एक मुट्ठी गरम राख की ले आया और दूर से ही ललिता के मुंह पर फटकारता चिल्ला उठा, निकल निकल निकल। लालटेन ठीक से पकड़कर नंदी आगे बढ़ाई। ललिता को अजीब भयावने स्वर में कुछ बिलबलाते हुए उसने सुना। राख से पुता उसका चेहरा देख नंदी को भी रोमांच हो आया। पास ही सोई कुरी जाग कर रो पड़ी। उसे उठाकर नंदी अंदर चूल्हे के पास ले गई। एक जलती लकड़ी कुरी के सिर पर से घुमाकर पानी में डुबोने के बाद नंदी ने फिर बाहर की तरफ कान लगा दिए। कुरी को औचक के भय से खुद रसोई में ही बैठी रही। थोड़ी ही देर में किसनिया अंदर आया, बोला, ललिता को तो मसान लग गया, नदी पार करते में फिसल गई होगी, अचक लग गया, रखवाली करनी पड़ेगी। मसान बड़ी मुश्किल से छूटता। तू उड़द चावल नमक और 5 पुराने तांबे के पैसे निकाल दे, एक अंगेठी में कोयले सुलगा दे। आज तू वहीं चूल्हे के कमरे में सोई रहेगी तो कैसा रहेगा? बाहर के कमरे में पूरी छोरी को नींद नहीं आएगी। छोटा सा घर है, नीचे 2 गोट हैं, एक में भैंस रहती है दूसरे में बैल, ऊपर एक कमरा रसोई का है एक बाहर का। और दिनों नंदी कुरी और किसनिया बाहर के बड़े कमरे में सोते थे।
ललिता अंदर रसोई वाले कमरे में सोती थी। नंदी को किसनिया की बात ठीक ही लगी। बोली, हाँ हाँ मैं अंदर ही सो जाऊंगी, तुम बाहर के ही कमरे में सोओगे क्या? ऐसे में उसको अकेले छोड़ना भी तो ठीक नहीं होगा। हाँ ठीक कह रही है तू, किसनिया की आवाज़ थोड़ा सा लटपट आ गई। मेरे लिए तू इधर वाले दूसरे कोने में बिछा देना, रखवाली करने के बाद मैं वहीं सो जाऊंगा, रात में डरेगी तो उठकर भभूत लगा दूंगा। लगभग आधी रात बीतने तक किसनिया की रखवाली की मसान हांकने की ऊंची आवाज़ सुनाई देती रही। पड़ोस के आए हुए लोग भी लौट चुके थे, तब कहीं रखवाली की विधि पूरी हो पाई। हथेलियों में भभूत रगड़कर ललिता के कपाल और कपोलों में मलते हुए किसनिया को नंदी देखती रही। राख मलते में कांपता ललिता का चेहरा देख देख कर वो सहम उठती थी। अंगीठी में बांझ की लकड़ी के अंगार दहक रहे थे और उनकी आंच ललिता की आंखों तक में दिखाई दे रही थी, फैल कर बड़ी बड़ी और भयानक हो आई थी। उसकी आंखें जैसे लाल लाल धतूरे फूल आए हों उसकी आंखों में, बुनरुष के फूल उगाए हों जैसे लाल लाल अंगार जैसे फूल। रखवाली निपटने तक नंदी की आंखें नींद से बोझल हो आई थी। ललिता के प्रति उसे बार बार मोह उमड़ रहा था कि उसके यहाँ आकर सिर्फ दुख ही भोगा। एक और इतना काम करती रही छोरी और ऊपर से मसान लग गया। पर तीमा सासू बताया करती हैं कि मसान लगी कुंवारी लड़कियों को शादी के बाद संतान नहीं होती है, होती भी है तो बचती नहीं। मगर उसने महसूस किया कि इस सब के बावजूद ये जिज्ञासा भी उसे लगातार जगाए रही कि किसनिया रखवाली कर चुकने के बाद कमरे के दूसरे कोने में जाकर सोता भी है या नहीं। रसोई के कमरे और बाहर के कमरे के बीच जो किवाड़ है उसकी दराज से बाहर के कमरे के कोने दिखाई नहीं पड़ते। किवाड़ खुद नंदी नहीं बंद किए थे, किसनिया सिर्फ बाहर से सांकल चढ़ा गया। पतली सी दरार से नंदी सिर्फ दरवाजे की सीध में पड़ने वाली देली तक देख पा रही थी और अंदर अंधेरा होने से दहकती अंगीठी साफ दिखाई दे रही थी। रखवाली के उरद चावल बाहर फेंकने को देली से बाहर जाता और फिर लौटता हुआ किसनिया उसे दिखाई दे गया, मगर ललिता वाले कोने से इस ओर के कोने को जाता हुआ नहीं। नंदी एकाएक बिस्तर पर से उठाई, तिरछे बैठकर उसने आंख को दरवाजे की दरार से लगा दिया तो उसे लगा जैसे वह जमीन से बहुत ऊंचे उठ गई है। लालटेन को धीमी करते करते बुझाने के बाद ललिता के बिछौने बाहर खींची हुई कोयले की रेखा के भीतर जाता हुआ किसनिया उसे साफ साफ दिखाई दे गया। फिर रात भर क्रुद्ध नंदी अंदर किसी आहत चीत की तरह फड़फड़ाती रही। ललिता के ही बिस्तर पर सोया हुआ किसनिया उसे एक भयानक अजगर सी प्रतीति कराने लगा और घृणा में अंगीठी की तरह सुलगती रही, सो नहीं पाई ठीक से। बाहर के कमरे में सुलगे हुए अंगार ललिता की आंखों में फूले लाल लाल सपने धीरे धीरे बुझते चले गए, मगर नंदी की आंखें रात भर सुलगती रह गई। उसका मन दरवाजा तोड़कर बाहर जाने को और दोनों को धिक्कारने को हो आया। उसने चुपचाप सोई हुई कुरी को जोश से चिकोटी काट कर रुला दिया और फिर उसे लताड़ती रही, जोर जोर से डांटती रही, अभी तुझ नियत खोर की नियत पे थू पड़ जाए। छी रात भर झिझोड़ती रही, डांट हो गई है फिर भी शर्म नहीं आती, ऐसी ही कम नियत है तो कहीं और क्यों नहीं जा मरती। और उस प्रतिमा सासू की बात याद आती रही, गर्भिणी को जुड़े हुए सांप नहीं देखना चाहिए। कुरी को प्रताड़ित करते हुए नंदी को यही लगता रहा कि वह ललिता को प्रताड़ित कर रही है। उसे आशा थी उसके इस प्रयत्न से किसनिया ललिता के पास से हट आएगा, मगर किसनिया और भी सांस दबाकर सो गया। नंदी को ज्यादा कुढ़न इस बात से हो रही थी कि ललिता के प्रतिवाद का स्वर कहीं नहीं सुनाई देता था। उसे ठीक याद नहीं कि कब तक वो अपनी आंखों को घायल सर्पनी की जीभ की तरह दरवाजे की दरार से सटाए रही और आखिर कब वहीं पर सो गई। उजाला होने से पहले पहले किसनिया के पाँव की आहट सुनी तो लगा नाग अलग हो आया है। मारे क्रोध के वो फट पड़ने को हो रही थी कि अचानक ही ध्यान आया कि अगर अब उसने इन दोनों को प्रताड़ित किया तो सिर्फ इतना ही होगा कि पहले दोनों सिटपटाएंगे और फिर ललिता रो पड़ेगी। ललिता के रोते ही गुस्सैल किसनिया एकदम निर्लज्ज होकर बौखला जाएगा और संभव है साफ साफ कह भी दे कि ललिता अब मेरी ही होकर रहेगी,
तो उससे नहीं सहा जाता, तो जहां मर्जी आए चली जा। और तब वो अपने दर्प की रक्षा कैसे कर पाएगी। थोड़ी ही देर में किसनिया की आवाज सुनाई दी, नंदी चाय चढ़ा दी तूने? अरे यहाँ सिगड़ी एकदम बुझ चुकी, थोड़े से अंगार और गरम राख एक कलछी में लेती आ तो। रात के बर्तन जूठे ही पड़े थे। नंदी ने चिमटे से ही दो बड़े बड़े कोयले पकड़े, किसनिया की आवाज की कृत्रिमता और छलने की कोशिश से फिर मन घृणा से बिफर आया और वो थोड़ी देर चिमटे को हाथ में पकड़े ही रह गई। मगर बाहर आने पर ललिता की एकदम झुकी झुकी और शर्म से बोझिल आंखों को देखते देखते मन शांत हो गया। किसनिया ने चिमटे से कोयले लेकर अपनी हथेली पर उछालते हुए फिर रखवाली करने की मुद्रा बना ली तो नंदी को हंसी आ गई। और जब किसनिया ने होड़त होड़त चीखते हुए ललिता के कपाल में भभूत लगाने के लिए हाथ से कोयले सिगड़ी में डालने की कोशिश की तो कोयले जमीन पर ही गिर गए, राख भी बिखर गई। जमीन पर से ही राख की चुटकी भरकर किसनिया ने ललिता के कपाल में टीका लगाकर फिर जोर से होड़त कहा तो नंदी से रहा नहीं गया और जोर जोर से हंस पड़ी। किसनिया चौंक कर देखता रह गया। ललिता के सिर पर हाथ फिराती व्यंगपूर्वक बोली, हाँ हो बेकार में भभूत क्यों चुपड़ते हो बेचारी ललिता के कपाल में, अब कितना गोरा कपाल है इसका, आंखें कितनी सुंदर हैं इसकी। और सुनो तुम अब अपनी ये दिखावटी रखवाली छोड़ दो, इसका मसान तो राख का नहीं बल्कि सिंदूर का टीका कपाल में लगाने से उतरेगा। और वाक्य को समाप्त करते करते नंदी को लगा खुद उसके अंदर दहकती घृणा के अंगार भी ओठों से नीचे गिरकर जमीन पर ठीक वैसे ही बिखर गए हैं जैसे किसनिया की हथेली पर के कोयले गिर गए थे। और उसे लगा इतना सब कुछ कह लेने के बाद अब वो आपस में लिपटे सर्पों को देखने पर गर्भिणी को लगने वाले पाप से भी मुक्त हो गई है। और ये थी कहानी पाप मुक्ति, जिसे लिखा था शैलेश मटियानी ने। और इस कहानी को लेकर आई थी मैं सारिका पंकज। अगले रविवार को फिर किसी कालजयी रचना के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।